नमस्कार, पैरानॉर्मल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो हमने क्या पढ़ लिया कि बुद्धि को मापते कैसे हैं, बुद्धि के कॉन्सेप्ट किसने किसने दिए थे। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बुद्धि परीक्षण का कितने टाइप के होते हैं। पहले इनको देखते हैं क्लासिफिकेशन, बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण कैसा होता है। चलिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके बाद आएंगे वर्गीकरण पे। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे कि किसी का इंटरव्यू होता है, किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, किसी का इंटरव्यू बोलते हैं कि किसी का इंटरव्यू होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार। तो इसमें हम क्या बोल करते हैं, उसके आईक्यू को, उसके पर्सनालिटी को, ये सब टेस्टिंग होती है। इमोशनल क्वोशेंट हुआ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट हुआ, और उसका पर्सनालिटी कैसी है, उसका सिचुएशनल अप्रोच कैसा है, कंडीशनल अप्रोच कैसा है, और उसका डिसीजन मेकिंग कैसा है। इन सब चीजों का हम लोग टेस्ट करते हैं, या इंटरव्यू में उस चीज का टेस्ट किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये उसके आईक्यू का ही एक तरीके से टेस्ट है, यानी उसके इंटेलिजेंस का टेस्ट हो रहा है, पर्सनालिटी का भी टेस्ट हो रहा है, तो आईक्यू का टेस्ट हो रहा है। तो जैसे देखिए कि इंटरव्यू हो रहा है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है तो उसमें इंटरव्यू होगा। तो एक आदमी बैठा है, पैनल बैठा है, जिसका इंटरव्यू एक है, इंटरव्यू देने वाला एक है, लेकिन पैनल पूरा बैठा हुआ है। जैसे आप प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक वन टू वन होता है, एक इंटरव्यू लेने वाला, एक इंटरव्यू देने वाला। तो ये क्या है, एक जब परीक्षण हो रहा है इसमें, या ये कहिए कि जब इसका इंटरव्यू हो रहा है, तो एक आदमी इंटरव्यू देने वाला है और कई सारे लोग हो सकते हैं इंटरव्यू लेने वाला, या एक आदमी इंटरव्यू लेने वाला हो सकता है। तो ये क्या है, एक तरीके से व्यक्तिगत परीक्षण है, यानी कि वन टू वन हम एक ही व्यक्ति का परीक्षण कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, एक ही व्यक्ति के का टेस्ट कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ही पर्सन है उसमें इन्वॉल्व है, उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत परीक्षण। अब जैसे अगर अगला देखें कि जैसे अभी का एग्जाम गया, रेलवे का एग्जाम जा रहा है, रेलवे का एग्जाम हो रहा है, या एसएससी का एग्जाम होता है, या कोई भी बड़ा सा एग्जाम होता है, तो उसमें सबके लिए एक ही लेवल का क्वेश्चन डिसाइड किया जाता है, एक पेपर सेट किया जाता है, जैसे 100 क्वेश्चन का हो, 60 क्वेश्चन का हो, एक पेपर जो डिसाइड किया जाता है वो सभी के लिए समान होता है। सभी जितने भी अभ्यर्थी होंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, जितने भी लोग उस परीक्षा को देने जा रहे होंगे, आईक्यू का ध्यान नहीं रखा जाता है, किसकी आईक्यू कितनी है, सबके लिए वो समान पेपर होता है। वो एवरेज टाइप का पेपर हो सकता है, टफ टाइप का पेपर हो सकता है, इजी टाइप का पेपर हो सकता है, लेकिन वो जो पेपर सेट किया गया है वो सभी के लिए समान है और सभी लोग उस पेपर को दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक सामूहिक तरह का परीक्षण है, समूह के तरह का परीक्षण। जैसे कि आप आर्मी का एग्जाम देने जाए और आर्मी एसएसबी ले आर्मी, तो एसएसबी में क्या होगा, आपको ग्रुप टास्क दिया जाएगा और ग्रुप में ही आपको आपकी पर्सनैलिटी को, आपके इंटेलिजेंस को ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो भी क्या, एक सामूहिक तरह का परीक्षण है। तो अभी तक हमने दो टाइप के परीक्षण पढ़ लिए, एक तो व्यक्तिगत परीक्षण, दूसरा कौन सा पढ़ लिया हमने, सामूहिक परीक्षण, यानी सामूहिक तरह का परीक्षण होगा। तीसरा पढ़ते हैं, जैसे कि इसका आप लोगों ने जो तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम्स की, जैसे कि एसएससी की, रेलवे की, या किसी और एग्जाम की, तो आपने देखा होगा स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट बहुत सारे कराए जाते हैं, तो बहुत सारा सेट मिलता है, यानी हर एक फिक्स टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्पीड टेस्ट, और हिंदी में बोलते हैं गति परीक्षा। और स्पीड टेस्ट में क्या होता है, फिक्स टाइम में आपको जितने सेट क्वेश्चन दिए होंगे उनको सॉल्व करना किया जाता है, उतना ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना उसी टाइम में, तो इसको बोलते हैं स्पीड टेस्ट। एक होता है एक्टिविटी बेस्ड, यानी क्रियात्मक परीक्षण। क्रियात्मक परीक्षण में क्या है कि आपको कोई टास्क दिया जाएगा, आपसे कोई जैसे कि वो डम्सराज खिलवा दे, या फिर आपसे शेरलॉक होम्स खिलवा दे, तो ये क्या है, एक्टिविटी बेस्ड है। या फिर आपको जैसे कि सर्च एंड राइट ये बोल दे कि ढूंढो और लिखो, या फिर ये ऐसे करा सकते हैं कि इस लड़की को उस रास्ते तक पहुंचाना है, तो बहुत सारे उसमें ऑब्स्टेकल्स रख दिए जाएंगे। ये क्या है, एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी आपको दी जाती है। एसएसबी का भी इंटरव्यू होता है, उसमें आपको उसमें ग्रुप एक्टिविटी दी जाती है। ये सारे क्या है, क्रियात्मक परीक्षण है। तो चार तरीके हमने परीक्षण पढ़ लिए, व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, गति परीक्षा, और चौथा क्या है, क्रियात्मक परीक्षण। अब थोड़े नाम जान लेते हैं, ये तो हमने एक जनरल देख लिया, जनरल में चार तरीके होते हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत परीक्षण में पूछा जाए कि कौन सा परीक्षण व्यक्तिगत होता है, तो वो आपको वो जानना चाहिए, हो सकता है पूछे, तो मैं थोड़ा सा दो चार का नाम बता देता हूँ व्यक्तिगत परीक्षण में। विनय स्टैनफोर्ड परीक्षण, जो व्यक्तिगत परीक्षण करता है। बैचलर वैल्यू परीक्षण, ये भी व्यक्तिगत परीक्षण करता है। मिनेसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण, ये भी है व्यक्तिगत परीक्षण। और कोहोज ब्लॉक्स टेस्ट, ये भी व्यक्तिगत परीक्षण है। ऐसे ही अगर समूह परीक्षण की बात करूं तो आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन, देखो आर्मी आर्मी का नाम आ रहा है, तो ये क्या है, ये सारे ग्रुप टेस्ट है। जैसे कि आर्मी अल्फा परीक्षण था तो वो पढ़े लिखे लोगों के लिए, आर्मी बीटा परीक्षण था कि जो कम पढ़े लिखे लोग थे, तो ये सामूहिक परीक्षण था, एक ही बार में बहुत सारे लोगों को। अमेरिका में स्टार्ट हुआ था जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था,
तो उस टाइम लोगों की भर्ती करनी थी, तो ऐसे लोगों को भर्ती कर नहीं सकते थे, थोड़ा सा आईक्यू टेस्ट करना था। इसलिए वहां के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अल्फा और बीटा टाइप का परीक्षण लगाया। तो अल्फा परीक्षण था वो पढ़े लिखे लोगों के लिए था, और बीटा परीक्षण जो था जो पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं था। जैसे कि पिक्चर्स दे दिया, उसको ज्वाइन करना हुआ, पिक्चर्स को देख करके कहानी बताना हुआ, ये ऐसे सारे टेस्ट किए गए। इस तरह से डॉक्टर सोहनलाल का भी एक परीक्षण है जो कि सामूहिक परीक्षण है। और क्रियात्मक परीक्षण का भी देख लीजिए, क्रियात्मक परीक्षण में क्या करें, भाटिया बैटरी टेस्ट है, पोर्टियस मेज टेस्ट और फार्म बोर्ड टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलांग टेस्ट, ये सारे करके क्या है, वर्गीकरण है इनके। और इन वर्गीकरण में कौन कौन से इम्पोर्टेंट परीक्षण हुए उनका मैंने नाम बता दिया है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, आप लोगों के स्क्रीन पर आएगा, उसको देख करके नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में और याद भी कर लीजिए। धन्यवाद।